So hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to do the extra questions of merger and acquisition. तो बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं। इधर हम वो क्वेश्चन करेंगे जो हमने पहले कवर नहीं करे हुए थे और इसमें स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एडिशनल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो मैं इधर मर्जर एमलगमेशन के नोट्स, मर्जर एक्विजिशन के नोट्स ओपन कर लेता हूँ। राइट, ओके, ये 96 MB के नोट्स हैं, इसमें पूरा कवर है। चलो सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। जैसे कि अभी ये बोल रहे हैं स्वैप रेशियो 2 है, इसका मतलब क्या होता है? एक शेयर के बदले में 2 शेयर, ठीक है। तो फॉर एवरी वन शेयर एक्वायरिंग कंपनी विल इशू 2 शेयर। ए लिमिटेड वॉन्ट्स टू टेक ओवर बी, उसकी पूरी डिटेल है। शेयर एक्सचेंज रेशियो क्या होना चाहिए अगर नेट एसेट वैल्यू के बेसिस पे चीज़ें चल रही? तो देखो, सी, नेट एसेट निकालो ए की और बी की, राइट, और लाइबिलिटी माइनस कर दो। 1,73,000, अभी मैं ए की कर रहा हूँ, 1,73,000 में से 35,000 माइनस करो, 1,38,000 आया। ये 61 में से 5 माइनस करो, 56,000। बस आपको क्या करना है, सी, फैक्टर ऑफ टी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ ए, फैक्टर ऑफ टी क्या है, 56,000 डिवाइडेड बाय 1,38,000, 0.4057 जो भी है। ये तो आपका नेट असेट आया इन टोटलिटी, राइट, टोटल में नेट असेट आया। ये बोल रहे नेट असेट वैल्यू, ओके, मतलब ये बोल रहा है नेट असेट वैल्यू पर शेयर। तो ओके, आप शेयर से है तो 5,000 और इधर 10,000, तो इधर 138 आएगा और इधर 56,000 डिवाइड बाई 5,000 आएगा, तो 11.2 अब होगा, 11.2 डिवाइड बाई 138 ये होगा 0.0811। तो ध्यान रखो नेट असेट वैल्यू बोला है, तो नेट असेट वैल्यू पर शेयर्स से स्वैप रेशियो निकालो। ये लर्निंग भी लिख लेते हो क्योंकि इधर अपन ने गड़बड़ करी। चलो अब देखो, अर्निंग पर शेयर, हमें अर्निंग पर शेयर निकालना है। तो 38,000 जैसे PNL है, 4,000 हमारा प्रॉफिट है और अर्निंग पर शेयर है डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर करो। अब देखो अर्निंग में अपन ने क्या लिया, 38,000 और 4,000, राइट, क्या और भी कुछ लेना है? राइट, 38,000 4,000 है अर्निंग। इंस्टेड ऑफ आपको ये PNL अकाउंट लेने के, ये देखो अब इधर भी क्या हुआ, अर्निंग पर शेयर में आप PNL अकाउंट की तरफ चले गए, इधर नहीं जाना था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड दी तो रहा है ये 24,000 एंड 15,000, मतलब ये दे के रखा है। तो शेयर 1,00,000 और 5,000, 24,000 डिवाइड बाई 1,00,000, 24,000 डिवाइड बाई 10,000, इनफैक्ट 2.4, 15,000 डिवाइड बाई 5,000, 3, राइट। EPS हो, राइट, तो फैक्टर ऑफ टी डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ ए, सी डिवाइड बाई 2.4 जो होगा 1.25, हो गया आपके एक के बदले में 1.25। अब जैसे कि आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट समझा रही है, ये आपने छोटे छोटे एग्जांपल नहीं देखे थे, अब एक बार फटाफट देख लेते हैं। नंबर ऑफ़ शेयर है ए टू बी, ये इतना देख रखा है। टोटल नंबर ऑफ़ शेयर आफ्टर मर्जर अगर स्वैप रेशियो एक्सचेंज रेशियो 0.50 है तो ऐसे केस में 0.50 इस पर लगता है और 50,000 का हो जाएगा, 25,000, 1,25,000 हो जाएगा, ऐसा है। फिर होता है देखो, ये अर्निंग्स देख रखे आपको, राइट, अर्निंग्स है शेयर से, मतलब EPS भी निकल जाएगा, निकाल लो। तो EPS आपने निकाला 5 और 4, राइट। अब सीनर्जी है, जब सीनर्जी दे के रखा है 1,00,000, एक्सचेंज रेशियो दे के रखा है 0.50, तो क्यों निकाला EPS? नहीं भी निकालते तो चलता क्योंकि एक्सचेंज रेशियो दे के रखा है। अर्निंग आफ्टर मर्जर क्या होगा? ये 5,00,000 और 2,00,000 और 1,00,000, क्योंकि सीनर्जी है। सबसे पहले पूछ रहे हैं कि ए का EPS बिफोर मर्जर, तो ये तो 5 हो गया। बी का EPS बिफोर मर्जर, तो ये हमारा हो गया 4। वन सेकेंड देखो यार, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो मैनेज कर लेना। टोटल अर्निंग पर शेयर हमारा, टोटल अर्निंग आफ्टर मर्जर, ये 8,00,000 हो जाएगा क्योंकि सिनर्जी है। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर मर्जर, आफ्टर मर्जर पहले तो रेशियो कितना है 0.50, तो टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, तो 2 × 0.50 + 5, 6,00,000 हो जाएगा। वन सेकेंड, 0.50 है ना, उस नंबर ऑफ शेयर 50,000 है, 50,000 × 0.50 + 1,00,000, 1,25,000। EPS आफ्टर मर्जर, तो EPS आफ्टर मर्जर क्या है, राइट, 8,00,000 आफ्टर मर्जर अर्निंग और आफ्टर मर्जर शेयर, शेयर कितने होंगे, 1,25,000, राइट। तो देखो
8 लाख डिवाइड बाई 1,25,000 6.4 ये आपका हो गया। चलो अगला, वन सेकेंड, सी EPS है राइट, EPS आफ्टर मर्जर 15 राइट, और एक्सचेंज रेशियो दे के रखा है। तो ये इक्विवेलेंट EPS आपको पता है कि वो ऐसे ही कैलकुलेट होता है, इतना कूल भी नहीं है, मतलब इतना टफ भी नहीं है। बाकी ये क्वेश्चन हमने करके रखे थे, तो ये तो बड़े बड़े क्वेश्चन हमने करके रखे थे। 3A अपन ने नहीं करा हुआ है, इसको कर लेते हैं। इसके लिए गेन लॉस वाला कॉन्सेप्ट समझो। सी वन सेकेंड, तो देखो एक्वायरर टारगेट राइट। अब समझो जो हमको गेन और लॉस निकालना पड़ता है ना, जैसे मैंने लिया EPS, तो EPS आफ्टर मर्जर और EPS बिफोर मर्जर यही होता है, बट टारगेट में ऐसा नहीं होता। टारगेट में होता है इक्विवेलेंट EPS आफ्टर मर्जर और EPS बिफोर मर्जर, ऐसा। बस टारगेट में ये याद रखना कि हम EPS आफ्टर मर्जर नहीं, इक्विवेलेंट EPS आफ्टर मर्जर देखते हैं। और आपको पता है कि इक्विवेलेंट EPS मतलब कि स्वैप रेशियो से मल्टीप्लाई करना EPS को। चलो जब क्वेश्चन देखते हैं, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड रिलेटिंग टू एक्वायरिंग फ्रॉम ए एंड टारगेट फ्रॉम बी, ये इन्फॉर्मेशन है राइट। पैड दे के रखा है 2,000 लाख 400 लाख, शेयर्स दे के रखे 200 लाख 100 लाख, EPS दे के रखा है 10,4, PE दे के रखा है 10,5, MPS निकाल लो 120। स्वैप करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर स्वैप रेशो निकालोगे तो 0.2:1 फिर देखो EPS ऑफ ए लिमिटेड, ए लिमिटेड का EPS क्या है एक्विजिशन के बाद। तो EPS आफ्टर एक्विजिशन तो बहुत ही इजी होता है, 0.2 हमने निकाल लिया ना, अर्निंग कितनी 2,000 + 400 डिवाइडेड बाय शेयर 200 प्लस 100 × 0.2 ठीक है 2400 डिवाइड बाय 220 यू गेट 10.91 राइट। चलो अगला, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, एज्यूम करते हुए कि पी रेशियो चेंज नहीं हुआ। अब जब पी रेशियो चेंज नहीं हुआ मतलब कि एक्वायरर का ही ले लेंगे हम। अब आपने निकाल तो लिया है वो 10.91, तो 10.91 × 10 109.1 ओके। डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज फर्म, तो मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज फर्म कैसे निकालोगे। अब ये एक तरीका हो सकता है कि यार ऐसा करो ना, वो MPS तो आपको पता है ना, ये हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्स को पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर लो राइट, और इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप ऐसा करते हो EPS × PE क्या 2,000 × 10 20,000 400 × 5 2,000 ये आपका आया 22,000 राइट। पर हमें ऐसा नहीं करना, चलो ऐसा करा 22,000 आया, हम तो पी के हिसाब से चल रहे हैं, मतलब कि पी के हिसाब से चला तो सी ऐसा ऐसा है कि 10.91 हमारा EPS था राइट, इसको पी आफ्टर मर्जर मतलब जो 10 है इसे मल्टीप्लाई किया तो 109.1 हुआ। अब इसको शेयर से करना है मल्टीप्लाई, तो करो ना शेयर से मल्टीप्लाई 220। देखो ये आया आपका 240.02 राइट। चलो तब देखो आपने तो ये मार्केट वैल्यू निकाली, अब कैलकुलेट गेन लॉस फॉर शेयर होल्डर। अब गेन और लॉस निकालना है राइट। सी क्या लिखा हुआ है कि जब डिफॉल्ट में मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर 240.02, मार्केट वैल्यू बिफोर कितनी थी 240.02 है ना, मार्केट वैल्यू बिफोर कितना था, मार्केट वैल्यू बिफोर कितना था वो था 200। वैसे ही टारगेट में देखो 240.02 × 0.20 48.004 सी, तो 240.02 पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू राइट, और 200 प्री मर्जर। तो ठीक है इस तरीके से आप निकाल लोगे ओके। कुछ एक और क्वेश्चन आया था कि कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इन न्यू कंपनी, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इन न्यू कंपनी वैसे किस में ज़रूरत पड़ती है ओके। ये ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर में क्या जैसे ज़रूरत पड़ जाती है, खैर ये एग्जांपल है, हमको एग्जांपल करना है।
कि नंबर ऑफ़ शेयर से जैसे ए का है नंबर ऑफ़ शेयर 2 लाख 50,000, बी का एक्सचेंज रेशियो है तो कायदे से देखा जाए तो 2,25,000 ये हो गया। अब सी टोटल नंबर ऑफ़ शेयर आपके कितने हो गए 2,25,000 राइट। अब परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना होगा तो क्या 2 लाख डिवाइड बाय 2,25,000 वो 25,000 डिवाइड बाय 2,25,000 ठीक है। कैश टेक ओवर का कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने नहीं करे, अच्छा 2 क्वेश्चन है कैश टेक ओवर के वो हमने नहीं करे और परचेज प्राइस प्रीमियम के भी नहीं करे, चलो करते। कैश टेक ओवर समवॉट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड इसको लोग गलत भी समझ लेते हैं। सी समझो कैश टेक ओवर क्या होता है कि जैसे कि हम अभी स्वैप रेशियो से शेयर एक्सचेंज करते हैं वैसे हम उसको कैश दे देते हैं, बस ये है ध्यान रखना कि इसमें ऐसे फिर नंबर ऑफ़ शेयर बढ़ते नहीं है राइट। अब वेयर कंपनी इज़ इन हाई ग्रोथ, जब हाई ग्रोथ होती कंपनी इज़ इन हाई ग्रोथ, कंपनी इज़ इन हाई ग्रोथ तो कोई शेयर नहीं, बेटर है कैश देके ख़त्म करो, तो ऐसे कि इसमें कोई डाइल्यूशन भी नहीं होता है। अब पॉइंट ये है कि या तो आप बोरो करके पे करोगे कैश या तो आपके बिज़नेस में से पे करोगे राइट, बोरो करके पे करोगे या बिज़नेस में से पे करोगे। अगर आपने बोरो करके पे करें अब ईपीएस कैसे कैलकुलेट होगा, पहले तो टोटल अर्निंग दोनों की ऐड हो जाएगी, इनफैक्ट कभी सिनर्जी हो तो वो भी हो जाएगा, पर अगर आपने बोरो करा है तो इंटरेस्ट 1-3 ये होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा NA। यही अगर आप यही कैश बिजनेस से लगाते तो ठीक है, अर्निंग ए की अर्निंग टी की सिनर्जी ये तो होता ही होता, पर हाँ बिजनेस से पे करते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगता फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ शेयर ऐसा ही है तो ये हो जाएगा। याद है नंबर ऑफ़ ए, ये नंबर ऑफ़ ए लिखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ़ एक्वायरर ए मतलब एक्वायरर कंपनी, एक टारगेट कंपनी को तो शेयर और इशू करेगी ना, तो एक्वायरर कंपनी ही नंबर जो है आफ्टर मर्जर भी वही रहेगा। तो हमने कैश टेक ओवर देखा राइट, MPS में भी निकल सकता है ये, पर एक बार हम कैश में देख लेते हैं। देखो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ कंपनी वो ये सोचता है कि शेयर होल्डर तो EPS ही देखते हैं, देयरफॉर वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ EPS पे ध्यान दे रहा है क्योंकि यही कंपनी का ऑब्जेक्टिव है। ही कंसिडर मैक्सिमाइजेशन ऑफ EPS एज कंपनीज ऑब्जेक्टिव, इट्स कंपनी करंट नेट प्रॉफिट, अभी जो नेट प्रॉफिट की हम बात करें वो है 80 लाख, EPS है 4, नंबर ऑफ़ शेयर कितने 20 लाख राइट, नेट प्रॉफिट 80, EPS 4 तो नंबर ऑफ़ शेयर हो गए 20, मार्केट प्राइस 42 है तो 42 डिवाइड बाय 4 कर दो तो पी रेशियो आ जाएगा 10.5। अब उसको एक अनादर फर्म को बाय करना है जिसकी करंट इनकम है 15.75 लाख, ठीक है उसका NP 15 लाख नहीं 8 लाख नहीं 15.75 है, EPS 10.5 है, मार्केट प्राइस 85 है, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो क्या होगा विच चीफ एग्जीक्यूटिव शुड ऑफर सो दैट ही कुड कीप EPS एट करंट लेवल। वो बोल रहे हैं कि चलो छोड़ो, वो तो ये बोल रहे हैं कि मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो क्या होगा, मैं कितना मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो दूँ सो दैट ही कुड कीप EPS ताकि वो EPS करंट लेवल पर रख सके। सोचने वाली बात है कि मैं इसको कितना दूँ ताकि EPS जो है वो करंट लेवल पर ही रहे। देखो ये होता है अपना मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो कि मैं इतना मैक्सिमम दे सकता हूँ। सबसे पहले वो इतना मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो दे सकता है कि EPS करंट मतलब कितना मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो रहे ताकि EPS मेंटेन रहे, मतलब कि जो EPS है एक्वायरर का वो इक्वल टू रहे EPS आफ्टर मर्जर, तो EPS A इक्वल टू EPS 80 मतलब एक्वायरर एंड टारगेट मिला के, तो EPS 80 क्या निकलेगा EA प्लस ET प्लस सिनर्जी और फिर नंबर ऑफ़ शेयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ शेयर। तो देखो आप अपना पूरा डेटा अपना कितना लिखा, आपने पूरा डेटा लिख दिया मतलब EPS एक्वायरर का कितना है 4 राइट, 4 इक्वल टू अर्निंग ऊपर की अर्निंग जैसे कि 8 लाख प्लस 15.75 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ शेयर ए के कितने 20 लाख प्लस नंबर ऑफ़ शेयर बी के कितने
टारगेट के 15.75 डिवाइड बाई 10.5, ये है 1.5 राइट, तो वो रहेगा 1.5 इनटू एक्सचेंज रेशियो। अब एक्सचेंज रेशियो के लिए सॉल्व करो, इससे आपका एक्सचेंज रेशियो 2.625 आ जाएगा। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो, पूछते ऐसे कि मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो क्या होगा, सो दैट ही कुड कीप ईपीएस एट करंट लेवल, ताकि ईपीएस रहे करंट लेवल पे। ओके, सेकंड, इफ द सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव बोरो फंड, अगर वो फंड बोरो करता है, देखो मतलब कि फंड बोरो कर रहा है मतलब कि बोरो करके वो पैसे, मतलब बोरो करके वो टेक ओवर कर रहा है, तो इफ़ चीफ एग्जीक्यूटिव बोरो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बाय आउट अनदर कंपनी बाय पेइंग कैश, वो कैश पे करके ख़त्म कर रहे हैं, तो कितना, हाउ मच ही शुड ऑफर टू मेंटेन हिज ईपीएस। अब इधर बात आती है कि कितना वो ऑफर करे ताकि ईपीएस मेंटेन रहे। अब समझो ये बोरो करके बाय कर रहा है राइट, अब बाय कर रहा है सामने वाले को, तो उसका 15.75 इनकम है राइट, ईपीएस है 10.5, ये 15.75 डिवाइडेड बाय 1.5 क्या ना, वो सब भी छोड़ो, और ये तो करंट मार्केट प्राइस भी देख के रखा ना, करंट मार्केट प्राइस 85 है, तो 1.5, ये 1.5 क्या है, 15.75 जैसे लैक्स है उसको हमने 10.5 से डिवाइड किया राइट, तो 1.5 लैक्स है इनटू 85 किया, 1.5 लैक्स है इनटू 85 किया, तो 127.5 लैक्स, तो ये जो है 85 इंटू 127.5, ये वो पे कर रहा है राइट। देखो आप तो बोरो करके पे कर रहे हो ना, तो सबसे पहले ईपीएस है 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इक्वल टू क्या होगा, अर्निंग ए की कितनी है 80 लाख प्लस अर्निंग बी की कितनी है 15.75 लाख राइट। अब पेमेंट हो रहा है तो इंटरेस्ट 1 माइनस टी होगा, इंटरेस्ट क्या होगा, डेप्ट जितना भी परसेंट हो उसका 15% राइट, और ब्रैकेट में 1 माइनस टी मतलब 1 माइनस 0.52 राइट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर में सब देखो, सबसे पहला 20 लाख प्लस नंबर ऑफ शेयर टारगेट के कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर टारगेट के कितने हैं, और सी अब नंबर ऑफ़ शेयर आप टारगेट के क्या ही निकालोगे, इधर तो ऊपर मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो आपको मेंटेन करना था, तो क्या आपने बोला इधर तो ये बोरो करके पे कर रहा है, ये ऊपर वाला कैश टेक ओवर थोड़ी ना था, ऊपर वाला ये कैश टेक ओवर थोड़ी ना था राइट, तो 4 इक्वल टू क्या हुआ, अर्निंग ऑफ ए, 4 क्या है ईपीएस एक्वायरर का, वही एक्वायरर और टारगेट मतलब आफ्टर मर्जर से मैच करना है, तो अर्निंग ऑफ ए प्लस अर्निंग ऑफ टी माइनस इंटरेस्ट जो होगा 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय 20, ये जो इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट है ये 15% ऑफ डेप्ट, तो देखो अर्निंग ऑफ ए 80, अर्निंग ऑफ बी 15.75 माइनस इंटरेस्ट, तो वह 0.15 ऑफ डेप्ट, उसको भी 1 माइनस टी कर दो, टी कितना है 52%, इससे आपका डेप्ट निकलेगा, इससे आपका डेप्ट निकलेगा 218.75 की, इसने 218.75 का डेप्ट बोरो किया है। अगर आप क्वेश्चन में देखो तो इफ द सीईओ बोरोज फंड एंड बाय आउट हाउ मच ही शुड ऑफर टू मेंटेन हिज ईपीएस, पॉइंट ये है कि उसने तो ये बोल दिया कि वो कितना ऑफर करे इसको मेंटेन करने के लिए। अब बात समझ में नहीं आ रही इसमें ऑफर क्या करे, इधर तो हम डेप्ट ले रहे हैं राइट, ओके डेप्ट ले रहे मतलब डेप्ट लेकर दे रहे ना, जैसे कि कितना ले रहे हो आप 218.75 राइट, तो 218.75 और उससे आप उसको दे रहे हो, उसके कितने शेयर है, उसके है 1.5, तो 218.75 डिवाइड बाय 1.5 ये है 145.83 इतना ऑफर कर रहे हो, तो अच्छा क्वेश्चन है ये राइट। चलो सी अगला क्वेश्चन, ए वांटेड टू एक्वायर बी, ए बी को एक्वायर कर रहा है, नंबर ऑफ शेयर 10 लाख 5 लाख, कैलकुलेट द इंक्रीज इन टोटल वैल्यू ऑफ बी रिजल्टिंग फ्रॉम एक्विजिशन, कैलकुलेट इंक्रीज इन टोटल वैल्यू कि बी में कितना इंक्रीज होगा, वो भी एक्विजिशन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्विजिशन, क्या देखो एक्वायर कर लिया तो बी में इंक्रीज इन टोटल वैल्यू कितना होगा,
तो ये तो एक तरीके से बोल रहे हैं कि मैंने तेरे को एक्वायर करा तो वैल्यू में कितना इंक्रीज होगा, ये तो मार्केट वैल्यू गेन की बात कर रहे हैं, जैसे कि कितना गेन होगा, अपन एक तरीके से यही पूछते हैं ना, इंक्रीज इन टोटल वैल्यू। चलो ठीक है, अभी हम देखते हैं। सी करंट एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट कितना है 7% अंडर कंट्रोल ऑफ ए लिमिटेड, ये 8% है विदाउट एनी एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अभी एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करा है, चेंज इन रिस्क नहीं करी है। एम पी एस ए का 100 है, बी का 20 है, डी 1.60 है, राइट। अब देखो ये बोल रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ, पहले तो ये बोला कैलकुलेट द इंक्रीज इन टोटल वैल्यू, चलो ठीक है, चेंज इन वैल्यू ये देख लेते हैं। कैलकुलेट गेन एंड लॉस टू शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनी, अगर ए ने ऑफर 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर ऑफ बी, 4 के बदले में 1, 1:4, तब ये बोल रहा है कि गेन और लॉस क्या होगा, गेन और लॉस क्या होगा जब स्वैप रेशियो इस तरीके से। फिर कैलकुलेट गेन एंड लॉस टू शेयर होल्डर, ये आ गया गेन एंड लॉस, गेन टू द शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनी मतलब वही गेन एंड लॉस टू द शेयर होल्डर, अगर ए लिमिटेड पे कर रहा है 22 फॉर ईच शेयर ऑफ बी, एज्यूमिंग द पी रेशियो ऑफ ए डज नॉट चेंज, ये सोचते हुए कि पी रेशियो ए का कोई चेंज नहीं हुआ मर्जर के बाद, राइट। तो ए का जो पी रेशियो है कितना होगा वो, तो देखो अब कैसे करेंगे, देखो अगर ये वैल्यू की बात करें ना तो ले देखे वो एक तरीके से मार्केट प्राइस की बात कर रहा है, मार्केट प्राइस अभी तो 20 है उसका, अब मार्केट प्राइस आफ्टर मर्जर, राइट। ये डी वन दिख रहा है 0.60, राइट, तो डी वन डिवाइड बाई के ई माइनस जी, और के ई जो है हमको नहीं पता पर जी पता है, या तो के ई हम ऐसे कर सकते हैं, देखो के ई है डी वन अपॉन पी ज़ीरो प्लस जी, ऐसा कर लेते हैं। तो डी वन कितना है आपका, डी वन है आपका 0.60, पी ज़ीरो कितना है, पी ज़ीरो है हमारा 20, जी है 7, राइट। तो डी वन अपॉन पी ज़ीरो, तो डी वन है 0.60 डिवाइड बाई 20, राइट, ये हो गया 0.03 प्लस जी प्लस 0.07 इंटू 100 जो हो गया 10%, तो 3% और 7% करके के ही हो गया 10%। अब देखो अब पी ज़ीरो क्या हुआ, ये के ही हमारा हो गया 10%, राइट, के ही हो गया हमारा 10%, जी हमारा है 7%, राइट। तो ये है हमारा 0.60 डिवाइड बाई 3%, ये हो गया 20। वन सेकेंड, ये बी का ग्रोथ रेट है और एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट अंडर कंट्रोल ऑफ ए, सॉरी अंडर कंट्रोल ऑफ ए का मतलब कि ए के साथ रहेगा तो ग्रोथ कितना होगा। तो देखो अब समझो, आपके पास एम पी एस था, आपके पास एम पी एस था 20, राइट। तो डी वन अपॉन पी ज़ीरो प्लस जी करके आपने पहले निकाला के ई, जो के ई आपका आ रहा था कितना, 10%, राइट, ये 10% आया। अब जी आपका चेंज हो जाएगा तो डी वन क्या है 0.60 डिवाइड बाई 2%, ये हो जाएगा हमारा 30, ये हो गया 30 हमारा। तो एक तो वैल्यू, राइट, 20 से हो गया 30, राइट। तो पहला पॉइंट क्या है, वैल्यू चेंज, पहले ये 20 था, नंबर ऑफ़ शेयर थे 5, अब ये 30 हो गया है, नंबर ऑफ़ शेयर है 5, 100 और 150, ये 50 लाख से वैल्यू बढ़ी। ऑन द बेसिस ऑफ अवॉर्डेड कंडीशन कैलकुलेट गेन और लॉस टू द शेयर होल्डर ऑफ बोथ कंपनी, गेन एंड लॉस टू द शेयर होल्डर ऑफ बोथ कंपनी, अगर ए लिमिटेड वॉज टू ऑफर 1 of its share फॉर एवरी 4 शेयर, अब गेन लॉस निकालना है बोथ कंपनीज का, ए कंपनी का बी कंपनी का। सबसे पहले एम पी एस आफ्टर मर्जर और एम पी एस एक्वायरर का बिफोर मर्जर। समझो एम पी एस जो है ए का वो है 100, एम पी एस टी का है 20। अब आफ्टर मर्जर क्या हो गया, आपको सबसे पहले एम पी एस निकालना पड़ेगा कि आफ्टर मर्जर एम पी एस क्या है, राइट। अब इधर ये तो नहीं बोल के रखा है कि पी रेशियो सेम रहेगा, ऐसा बोल के रखा है एज्यूमिंग द, वन सेकेंड, बस ये स्वैप रेशियो बोल दिया, जब ऐसा बोला है कि स्वैप रेशियो ही सिर्फ दे के रखा है, तो ऐसे केस में एम पी एस आफ्टर मर्जर क्या होगा, एम पी एस ए प्लस एम पी एस टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ शेयर ए प्लस नंबर ऑफ़ शेयर टी
इनटू एक्सचेंज रेशियो, इस तरीके से होगा, ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो आपका आया 97.77। सी नंबर ऑफ शेयर कितने थे, नंबर ऑफ सॉरी मार्केट वैल्यू ए 100 लाख, तो मार्केट वैल्यू आया 1000, राइट। अब समझो इधर, इधर तो 100 आप बोलोगे कि यार मार्केट प्राइस जो आप निकाल रहे हो वो आफ्टर मर्जर, उसमें 1000 तो चलो आपने ले लिया, राइट, कि 100 को 10 लाख से मल्टीप्लाई कर लिया तो 1000 लाख हो गया। अब ये है कि 5 लाख को 20 से क्या मल्टीप्लाई करना, क्योंकि वैल्यू ऑफ बी, ये टोटल वैल्यू ऑफ बी ये 30 हो जाएगा, रुपी 30 इंटू 10 रुपी 30 और ये इंटू 5 लाख, तो एक तरीके से 1000 + 150 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर 10 लाख + 5 लाख इंटू 0.25, इसे करते हुए अब करते सॉल्व, तो आया आपका 102.22। तो मार्केट प्राइस आफ्टर मर्जर 102.22, बिफोर मर्जर 100 है 22.22, ये गेन है। अभी जो 102.22 है इसको 0.25 से मल्टीप्लाई करो तो गया 25.55, माइनस 20 करा तो 5.55, इस तरीके से हो गया। इनफैक्ट 102.22, देखो यार इसमें थोड़ा सा निकाली चीज़ें अलग तरीके से। सी पहले तो क्या है कि डेटा इसके पास था जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर थे, ग्रोथ था, एमपीएस था, D1 था। अब D1 जो था वो 0.60 था और पहले उन्होंने निकाला KE, D1/KE-G, या अपन बोले KE = D1/P0+G, ऐसे करते हुए निकाला। D1 0.60 था, P0 भी था, G भी था, तो D1/P0+G करके KE निकल गया था 10%, राइट, ये हो गया। अब एक्विजिशन के बाद जो है एक ही कंट्रोल में रहेगा तो 8% होगा, तो P0 क्या होता है, D1/KE-G, और D1 तो 0.60 है, KE है 10% माइनस 8%, 0.60/2%, ये हो गया हमारा 30, ये P0 आ गया हमारा 30। और ये जो इंक्रीज इन वैल्यू हुआ है कि जो 20 था वो 30 हो गया, राइट, जो 20 × 5 लाख था वो 30 × 5 लाख हो गया, तो ये 50 लाख का इंक्रीमेंट हो गया, तो ये चलो ठीक है, ये हो गया। अब आता है कि सेकेंड पॉइंट जहाँ पे बोले गेन और लॉस निकालो, और बोथ द कंपनी जहाँ पे ए ऑफर कर रहा है 1 of its shares फॉर एवरी 4 शेयर, राइट, समझो 1:4 का ऑफर प्राइस है, एक्सचेंज रेशियो है। अब आपको गेन और लॉस निकालना है तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है, आफ्टर मर्जर और एमपीएस बिफोर मर्जर एक्वायरर का, वैसे टारगेट का भी एमपीएस आफ्टर मर्जर वो ये इक्विवेलेंट रहेगा, और एक होगा एमपीएस बिफोर मर्जर। अब एमपीएस जो है बकायदा बिफोर मर्जर का मेरे को पता है, और बिफोर मर्जर का एक्वायरर और टारगेट दोनों का पता है, 100 और 20। अब आफ्टर मर्जर क्या होगा कि हमने तो ये देख लिया था ना, अगर आप देखो तो हमने तो देख लिया था ये, तो कि मार्केट प्राइस जो है आफ्टर मर्जर वो 30 होना चाहिए, राइट, पर नहीं वो 30 नहीं है। सबसे पहले मार्केट प्राइस आफ्टर मर्जर निकाला, उसमें करते क्या है हम बिफोर मर्जर के दोनों लेते हैं, राइट, तो बिफोर मर्जर क्या है, मतलब कि मार्केट वैल्यू ए लेते हैं प्लस मार्केट वैल्यू बी लेते हैं, ऐसे हो जाता है आफ्टर मर्जर डिवाइड बाई नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इंटू एक्सचेंज रेशियो, ये हो जाता है। अब मार्केट वैल्यू ऑफ बी अगर ए के कंट्रोल में आया तो वो 20 का जो है 30 हो जाएगा, ये हमने देखा था, तो जो मार्केट वैल्यू ऑफ ए है वो तो 100 है, राइट, 100 मार्केट प्राइस इंटू 10 लाख, ये 1000 लाख है, प्लस 30 ये हो गया इंटू 5 लाख, ये हो गया 150 लाख, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर ए के 10, टी के 5, मतलब टारगेट के 5, और इंटू एक्सचेंज रेशियो, सी एक्सचेंज रेशियो हो गया 0.25, राइट, तो ये आ गया आपका 102.22, ये आ गया 102.22, तो मार्केट प्राइस तो हो गया आफ्टर मर्जर 102.22। पर अब इक्विवेलेंट हमको इधर का भी तो निकालना है, पर इधर इन्होंने दूसरे तरीके से लिया,
इधर 102.22 को डिवाइड बाय 4 नहीं करते हुए, 25.55 नहीं करते हुए, इन्होंने 20x4 किया और इसको 80 पे लेकर गए, ये करा इन्होंने, और इससे इन्होंने बी का गेन निकाला। इस तरीके से गेन निकला है। फिर कैलकुलेट द गेन ऑफ शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनीज इफ़ ए पेज 22 ऑफ ईच शेयर ऑफ बी। मतलब कि इन्होंने तो बोल दिया कि ए पे करा है 22 ऑफ ईच शेयर ऑफ बी, एज्यूमिंग पी रेशियो ऑफ ए डज नॉट चेंज आफ्टर मर्जर। ईपीएस जो है ए का 8 है, बी का 2.5 है, राइट। ऑफर प्राइस 22 है, राइट। अब सी ईपीएस 8.5 है, पी रेशियो जो है अपना डू नॉट चेंज आफ्टर मर्जर। कैलकुलेट द गेन टू द शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनी इफ ए पेज 22 ईच शेयर। अगर ए पे कर रहा है हर शेयर के 22, राइट, तो अगर 22 पे करा तो ये तो पैसे इन्वेस्ट करे ना, पर ये इसने बोरो करके नहीं करा। ए पेज 22 पर शेयर ईच शेयर, राइट, ए ने पे करा 22 रुपये, 5 लाख शेयर पे 11 लाख उसके गए, पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये हो गया कि 11 लाख का लॉस हो गया, 110 लाख उसके गए, तो ठीक है 2.5 लाख ईपीएस था, 5 से मल्टीप्लाई करा तो अर्निंग हो गया 12.5 लाख। अब 12.5 लाख में सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया 11 लाख तो बचा 1.5 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स 10 लाख था तो 0.15। देखो एक अल्टरनेटिव तरीका भी है, वो भी देखते हैं। सी गेन टू शेयर होल्डर निकाल रहे हैं, पहले जो टोटल अर्निंग ई अर्निंग ऑफ ए प्लस अर्निंग ऑफ बी, पर आपका अपॉर्चुनिटी लॉस भी हो गया ना, राइट, कि अर्निंग ऑफ ए अर्निंग ऑफ बी पर अपॉर्चुनिटी लॉस भी हो गया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर ऑफ ए, ये तो हो गया हमारा, तो 8.15 जो भी आना था आ गया हमारा। और पी रेशो की अगर हम बात करें, सी वो तो आपका 12.5 है, तो आपका ईपीएस था, पी रेशो था, तो ईपीएस है, पी रेशो है 101.875 आया, राइट आपका, और इस तरीके से आपको गेन हुआ 1.88 का गेन। और इधर हम ऑफर प्राइस दे रहे हैं 22, वैल्यू है 20, तो उधर 2 का गेन उसको। सी यार ये क्वेश्चन अच्छा है, राइट, इस क्वेश्चन को हमें को एक बार वापस देखना पड़ेगा। सी देखो मैं ये क्वेश्चन आपके साथ वापस शेयर करता हूँ। सबसे पहले इसका बेटर प्रेजेंटेशन आपको करना पड़ेगा, मैं आपको प्रेजेंटेशन के वाइज बताता हूँ। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें ए जो है बी को एक्वायर कर रहा है, और 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। पहला क्वेश्चन ये है कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बी, राइट। सी सबसे पहले क्या है कि आप तो पहले नंबर ऑफ़ शेयर्स लिख दो, राइट। ग्रोथ रेट 7% है, पर कंट्रोल में आने के बाद 8% हो जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। और फिर मार्केट प्राइस आता है 100, और फिर आता है 20, और एक्सपेक्टेड डिविडेंड है ना D1 है अपना 0.60, राइट। अब देखो इंक्रीज इन द टोटल वैल्यू ऑफ बी रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्विजिशन, उस एक्विजिशन से बी में इंक्रीज कैसे होगा, बी में इंक्रीज कितना होगा, तो टोटल वैल्यू ऑफ बी रिजल्टिंग फ्रॉम एक्विजिशन। बात यह है कि मेरे को डेटा सिर्फ इतना ही देख रखा है और कुछ भी डेटा नहीं देख रखा है, तो अब मेरे को वैल्यू निकालनी है। तो एक टिपिकल थिंकिंग कंपनी क्या होती है, हम टिपिकल क्या सोचते हैं कि इंक्रीज इन द टोटल वैल्यू, इधर हमारे दिमाग में आएगा कि यार इक्विवेलेंट एमपीएफ निकाल लो, ऐसे एमपीएफ आफ्टर मर्जर इक्विवेलेंट निकाल लो, तो ये कैसे होता है, राइट। इसमें होता है भैया मार्केट वैल्यू ऑफ ए प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ शेयर ऑफ टारगेट कंपनी इनटू एक्सचेंज रेशियो। पर उसके लिए मार्केट प्राइस हमको पता है, पर इधर नंबर ऑफ शेयर भी हमको पता है, एक्सचेंज रेशियो थोड़ी ना पता। बिना एक्सचेंज रेशियो के ये टिपिकल वाला क्वेश्चन हम नहीं कर सकते, इसलिए फिर हमको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा एमपीएस निकालने का। जो एक तरीका होता है वो ये होता है D1 अपॉन P0 प्लस G। पहले तो आप K ही निकालो, सी
और एक होता है, ये तो हमने इससे के ही निकाला, और एक होता है फिर पी ज़ीरो इज इक्वल टू डी वन अपॉन के ई माइनस जी। पहले पहले जो है डी वन है 0.60 डिवाइडेड बाई पी ओ 20 है, तो 0.60 डिवाइडेड बाई 20 ये 3% आया, और ये 7% है, ये ऐड होके हो जाएगा 10%, ये हो गया। और फिर पी ज़ीरो आता है डी वन अपॉन के ई माइनस जी। डी वन कितना है, ये है 0.60। के ई कितना है, के ई है 10%। और जी कितना है, जी अंडर कंट्रोल, ये बोल रहे ना वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो अंडर कंट्रोल ऑफ ए जी हो जाएगा 8%। तो 0.6 डिवाइडेड बाय 2% ये हो जाएगा 30, मतलब एम पी एस है 20, अब हो जाएगा 30। और ये बोल रहे इंक्रीज इन वैल्यू, इंक्रीज इन वैल्यू तो 10 रुपी, राइट, ये जो वैल्यू में इंक्रीज़ हुआ है ये 10 रुपीज़ का इंक्रीज़ हुआ है, एंड सी 10 रुपीज़ इंटू 50, राइट, 10 रुपीज़ इंटू 5 लाख, तो एक तरीके से अगर मैं पूरा वैल्यू बोलूँ तो ये 50 लाख रुपीज़ हो जाएगा, राइट। तो चलो ठीक है, अभी हमने ये पहला पॉइंट देख लिया, राइट। अब दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, ऑन द बेस ऑफ अफोरसेड कंडीशन कैलकुलेट गेन एंड लॉस टू शेयर होल्डर। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, तो हमने निकाल लिया 50 लाख, अब ये बोल रहे हैं गेन और लॉस, गेन और लॉस टू शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनीज, ओके, गेन एंड लॉस टू द शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनी, अगर इधर ऑफर जो है 1:4 के बेसिस पे, तो ए है और अपना बी है जो कि है टारगेट, ए है अपना एक्वायरर, मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर ए का, वो इधर ही अपन जो है टी में इक्विवेलेंट एमपीएस लेते हैं आफ्टर मर्जर, रही बात आती है फिर एमपीएस बिफोर मर्जर कैसे निकालते हैं, अब ये निकालते हो ना आफ्टर मर्जर बिफोर मर्जर, इधर भी टारगेट में भी आफ्टर मर्जर और बिफोर मर्जर। अब जो आफ्टर मर्जर है, चलो आफ्टर मर्जर हम निकालते रहेंगे, पर अभी हम पहले बिफोर मर्जर की बात कर ले। बिफोर मर्जर में 100 है ए का और 20 है बी का, अब एमपीएस आफ्टर मर्जर निकालो। अब इधर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जब आप एक्विजिशन कर रहे हो, रिजल्ट फ्रॉम द एक्विजिशन, फ्रॉम द एक्विजिशन ना, आपने एक्विजिशन करा, आपने एक्विजिशन करा, बी की वैल्यू बढ़ी, राइट। अब इधर जो है एमपीएस आफ्टर मर्जर में आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ ए प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ शेयर ऑफ बी इनटू एक्सचेंज रेशियो। ये क्या था, मार्केट वैल्यू ए की क्या है, 10 लाख इंटू 100, 1000 लाख हो गया। मार्केट वैल्यू ऑफ बी क्या है, 5 लाख इंटू 20, ये हो गया 100 लाख, ये हो गया 1100 लाख। नंबर ऑफ शेयर ऑफ ए, ये हो गया 10 लाख प्लस नंबर ऑफ शेयर ऑफ बी 5 लाख इंटू 0.25। अब ऐसे करोगे आप तो 1100 फाइव इंटू 0.25, हाँ 1100 डिवाइड बाई 11.25 सी, पर ये हो गया गलत। आपने इधर जो लिए 20 इंटू लिया 5 लाख, जबकि आपको ये नहीं लेना था, इंस्टेड आपको 30 इंटू 5 लाख लेना था, तो 16 लाख नहीं आते हुए 30 रुपी इंटू 5 लाख आएगा, 150 लाख आएगा, 1150, ठीक है, इस तरीके से 102.22 आएगा, तो ये हो गया 102.22, राइट। अब इक्विवेलेंट एमपीएस निकालो तो आ जाएगा 25.55। तो जो गेन पर शेयर है, गेन पर शेयर है वो 2.22, और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, वो है 10 लाख, तो ये हो गया हमारा 22.22 वैल्यू में। वैसे ही गेन पर शेयर 5.55 है, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर है 5 लाख, तो 5.55 इंटू 5 लाख या आया 1 सेकेंड। तो ठीक है, आपने गेन पर शेयर आया 2.22, पर उधर ही जो टारगेट कंपनी है उधर वो एक शेयर के बदले में 5.55 था गेन, और ऐसे 4 शेयर है तो इसलिए 22.22 करा। तो कुछ चीज़ें हैं जो स्टार मार्क में कर देता हूँ,
अभी नोटिंग में कर रहा हूँ उसका, इस पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर थर्ड आता है कि कैलकुलेट गेन एंड गेन टू द शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनी। अगर ए पे कर रहा है, ए कितना पे कर रहा है, ऑफर प्राइस। अब इधर अपन इक्विवेलेंट एमपीएस नहीं लेंगे ना, ऑफर प्राइस वो ओवरराइड करता है, वो ओवरराइड करता है एमपीएस को। तो ऑफर प्राइस है इधर 22 और बिफोर मर्जर जो प्राइस थी 2 थी, तो इधर गेन आ गया 2 और ये है 2 पर शेयर, राइट। और रही बात ए की, तो ए में क्या है कि क्या लिखा हुआ है कि गेन टू द शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनी, ए पे 22, ये तो हो गया। पी रेशियो कोई चेंज नहीं हुआ है, ईपीएस 8 है। तो अब ईपीएस ए का है 8 और जब ए था उसकी प्राइस थी 100, तो एमपीएस डिवाइड बाई ईपीएस, तो पी रेशियो आ गया, तो आ गया आपका 12.5। तो पहले पी रेशियो आ गया 100 डिवाइड बाई 8, ये हो गया 12.5, ये हो गया हमारा। हमें गेन टू शेयर होल्डर ए का निकालना है, राइट। अब देखो सी अर्निंग कितनी है, अर्निंग क्या, हम डायरेक्ट पी ई देकर रखा ना, हमको ईपीएस इनटू पी करना है, कायदे से ईपीएस इनटू पी करना है, राइट। तो आप क्या करोगे, अर्निंग ऑफ ए प्लस अर्निंग ऑफ टी माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट, क्योंकि इधर आप पे कर रहे हो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ए के 10 लाख है, उसको मल्टीप्लाई करोगे पी रेशो से, तो ये आपका आया आपका 80 लाख। आपका ईपीएस 2.54 दे के रखा है, तो देखो ये 12.5 लाख और आपने जोड़ा। अब सी आपने इन्वेस्ट करा है, आपने कैश उधर जमा किए ना, आपने आपका ऑफर प्राइस कितना था 22, आपने उधर 11 लाख दे दिए, तो जो 5 लाख इंटू 22 का 11% है वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो माइनस करो 10% जो भी है, राइट, क्योंकि वहाँ पे आप 10% अर्न करते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ शेयर कितने, 10 लाख, क्योंकि नंबर ऑफ बी नहीं रहेगा क्योंकि कैश में टेक ओवर करा है, राइट, क्योंकि कैश में टेक ओवर किया है। तो जो भी ईपीएस आएगा इनको पी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आपका आएगा कितना पर्टिकुलर, 101.875। इस तरीके से जो है पर्टिकुलर 1.875 पर शेयर आपकी वैल्यू रहेगी। वो ये अच्छा क्वेश्चन में आता है, लिख लो इसको। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है परचेस प्राइस प्रीमियम के ऊपर। कोई टफ चैप्टर नहीं है मर्जर अमलगमेशन, बट यार मर्जर एक्विजिशन, बट यार कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपका दिमाग ख़राब करेंगे, वो ये उन क्वेश्चन में से एक था, ठीक है। चलो परचेस प्राइस प्रीमियम, परचेस प्राइस प्रीमियम देखो यार, अभी हमारा जो एक्सचेंज रेशियो होता है वो हम एमपीएस के बेसिस पे निकालते हैं, ईपीएस के बेसिस पे निकालते हैं। अब कभी कभी हम परचेस कर रहे हैं और उसको ऑफ़र प्राइस से ज़्यादा पे दे रहे हैं, राइट, तो हम फिर मार्केट प्राइस नहीं लेंगे, हम ऑफ़र प्राइस लेंगे। स्वैप रेशियो निकालते समय अगर बोले कि मार्केट प्राइस से स्वैप रेशियो निकालना है, तो हम उधर फिर मार्केट प्राइस की जगह उधर हम ऑफ़र प्राइस लेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि अगर ऑफ़र प्राइस है तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर मतलब जो टी है वो ऑफ़र प्राइस हो जाएगा। जैसे कि एम पी एस ए बी का 80, ए तो ऑफ़र करे 120 एक्सचेंज के लिए, राइट, ए कितना ऑफ़र करे 120, तो फिर वो परचेस प्राइस प्रीमियम, अगर आप वैसे देखो कि प्रीमियम कितना पे कर रहा है, तो वो 40 पे कर रहा है, 40 डिवाइड बाई 80 50% वो पे कर रहा है, मतलब इधर तो हम परचेस प्राइस प्रीमियम कितना कैलकुलेट, कितना एक्स्ट्रा, तो वो एक्स्ट्रा तो हम निकाल ही सकते हैं, ईजी है। तो चलो इसी बेसिस पे हम ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलो एन एक्वायरिंग कंपनी इज कंसीडरिंग द एक्विजिशन ऑफ टारगेट, तो जो ऑब्वियस बात है कि एक्वायरिंग कंपनी टारगेट को एक्वायर कर रहा है। स्टॉक फॉर स्टॉक ट्रांजेक्शन इन विच टारगेट कंपनी वुड रिसीव, अब एक्वायरिंग कंपनी इज कंसिडर द एक्विजिशन ऑफ टारगेट कंपनी और स्टॉक फॉर स्टॉक ट्रांजेक्शन है, जिसमें टारगेट कंपनी कितना रिसीव करेगी, 85 फॉर ईच शेयर। टारगेट कंपनी रिसीव करेगी 85, राइट, फॉर ईच शेयर ऑफ इट्स कॉमन स्टॉक। द एक्वायरिंग कंपनी डज नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन द पी रेशियो, कोई वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है चेंज इन द पी रेशियो,
मतलब क्वेश्चन में पी रेशियो भी दे के रखा है, तो आपको ईपीएस इनटू पी से आपको निकालना है मार्केट प्राइस अगर निकालना हो तो, राइट। ऑफर प्राइस हमको पता है, ऑफर प्राइस हमारा 85 है, राइट। तो एक्वायरिंग कंपनी डज नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन द पी रेशियो मल्टीपल आफ्टर मर्जर एंड चूज टू वैल्यू द टारगेट कंपनी कंजर्वेटिवली, और चूज़ करी है कि वैल्यू करना टारगेट कंपनी कंजर्वेटिवली, चूज़ टू वैल्यू टारगेट कंपनी कंजर्वेटिवली, ये कुछ अच्छा वर्ड आया। बाय एज्यूमिंग, ये एज्यूम करते हुए कंजर्वेटिव इस तरीके से सोच रही है कि बाय एज्यूमिंग क्या कोई ग्रोथ नहीं है, राइट, कोई ग्रोथ नहीं है। तो देखो एक्वायरर है, टारगेट है, अर्निंग है 2.5 लाख और ये है 72.5 के, शेयर है तो शेयर है 1.1 लाख और 20,000, कर लो ईपीएस कैलकुलेट, राइट। तो इस तरीके से हमारा 2.27 आ जाएगा, वन सेकेंड, हाँ तो 2.27 हमारा ईपीएस आ गया, और यही 72 लाख 50,000 डिवाइडेड 72,500 डिवाइडेड बाय 20,000, ये हो गया 3.625, राइट। तो यही है ना, 72,500 डिवाइड बाई 20,000, 3.625। एमपीएस आपको दे के रखा है 52 और 64। पी रेशियो निकाल लो, ऑफर प्राइस आप एक्सचेंज रेशियो में लोगे, पी रेशियो तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा ना, 52 डिवाइडेड बाय 2.27 ये है 22.90 हमारा पी रेशियो, फिर दूसरा है 3.64 डिवाइडेड बाय 3.625 ये है 17.65, ये हो गया हमारा पी रेशियो। चलो तो वो तो परचेस प्राइस प्रीमियम पूछ रहे हैं, तो ठीक है वो प्रीमियम 64 का आप 85 दे रहे हो, 21 डिवाइड बाय 64 इंटू 100 तो 32.81%, ओके वन सेकेंड, ओके 85 दे रहे हो ना, हाँ तो 21 डिवाइड बाय 64 तो 32.81, वन सेकेंड, अच्छा उन्होंने अप्रॉक्स 33% ले लिया, ठीक है। दूसरा एक्सचेंज रेशियो, अब एक्सचेंज रेशियो में तो मार्केट प्राइस ही लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट प्राइस है, हमने भी ये भी पढ़ा है बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट प्राइस है। तो ऐसे केस में भैया 85 हम ऑफर कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 52 ये 1.63, राइट, ये आया। तीसरा नंबर ऑफ न्यू शेयर इश्यूड बाय एक्वायरिंग कंपनी, तो करो 1.6, 20,000 इंटू 1.6 से मल्टीप्लाई करो, ये 32,000 आया न्यू शेयर। चलो पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ द कंबाइंड फर्म, लो भाई आपकी अर्निंग कितनी देके रखी है, 2.25 लाख प्लस 0.725 तो 3.225, अभी जो 3.225 लाख है डिवाइडेड बाय आपके शेयर 1.1 लाख है प्लस 1.1 लाख है और वो जो शेयर इशू कर रहे हैं वो 0.32 है, राइट, तो प्लस 0.32 तो ठीक है 2.27 आ गया, राइट। चलो ये भी सही है, पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी, अब एक्वायरिंग कंपनी एक मिनट उसका भी 2.27 ही रहेगा ना, इसमें कहाँ चेंज होता है, उसका भी 2.27 है। चलो हो गया, एप्पल खा लो तो थोड़ी बहुत आवाज आएगी यार। चलो प्री मर्जर पी रेशियो, लो मर्जर नहीं करा पी रेशियो तो 22.90 और 17.65 यही होगा यही होगा ना, ठीक है वही है। अब पोस्ट मर्जर शेयर प्राइस, मर्जर के बाद शेयर प्राइस, अब देखो ईपीएस इनटू पी ऐसे ही होगा, पी आपको पता है पी कितना है 22.87 या 22.90 बोल दूँ, चलो 22.87। अब देखो ईपीएस पोस्ट मर्जर निकालते हैं, 2.5 प्लस 0.725 डिवाइड बाय 1.1 प्लस 20,000 इंटू 1.6 32,000 0.32 निकालो, ये भी हो गया ईपीएस इंटू पी। फिर आता है पोस्ट मर्जर इक्विटी ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन, पोस्ट मर्जर ये क्या नई चीज़ आ गई, पोस्ट मर्जर इक्विटी ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन हम किसका कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किसका निकाल रहे हो, वो रेशियो निकाल रहे हो, जैसे कि इक्विटी ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये आपको सामने वाले को 20,000 की जगह आप 32,000 दे रहे हो, 1.1 लाख आपके 32,000, तो ये शेयर होल्डिंग निकालना,
1.1 डिवाइड बाई 1.42 ऐसा है। चलो अगला है परचेस कंसिडरेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, राइट, ये निकालना। तो मतलब एक तरीके से मैं किसी को परचेस कर रहा हूँ तो मैं पीसी दे रहा हूँ, राइट। तो एक बार हम पीसी का पर्टिकुलर नोटिंग कर लेते हैं कि पीसी कैसे कैलकुलेट होता है, फिर हम करते हैं, राइट, इसको समझते भी। ओके, तो 8A, चलो, ए लिमिटेड इज़ इन्वेस्टिंग द मर्जर ऑफ बी, ये क्या लिखा हुआ है। ए लिमिटेड इज़ इन्वेस्टिंग द मर्जर ऑफ बी, बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड इज़ गिवन। ओके, ठीक है। ए लिमिटेड प्रपोज टू ऑफर, कि ए लिमिटेड बोल रहा है बी को कि मैं ये आपके लिए कर दूंगा। तो ए लिमिटेड प्रपोज टू ऑफर टू बी, वो क्या बोल रहे हैं कि बी को कि 10% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 करोड़ फॉर पेइंग 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस कैपिटल। वो बोल रहे हैं कि भाई कन्वर्टेबल प्रेफरेंस कैपिटल 10% इन ए फॉर पेइंग 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस कैपिटल ऑफ बी, फिर 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर, तो 100 दे दिया, 84 दे दिया टू रिडीम, ठीक है। और एक ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ए लिमिटेड फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड बाय बी लिमिटेड शेयर होल्डर। तो एक शेयर ऑफ ए फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड बाय बी, मार्केट प्राइस है 42, राइट। पहले नंबर ऑफ शेयर कितना हेल्ड करती बी, तो ये होल्ड करती है 30, तो अपन 3 करोड़ देंगे और 42 के भाव पे। तो सी व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो देखो आप 100 करोड़ पे कर रहे हो, आप 84 करोड़ के डिबेंचर दे रहे हो, इनफैक्ट आप 30 करोड़ को डिवाइड बाय थ्री करके 42 के दे रहे हो ना, 420 आप इधर कर रहे हो, राइट। आफ्टर एक्विजिशन आपने एक्वायर कर लिया, अब आप डिस्पोज कर रहे हो इन्वेंट्री, राइट, बुक डेप्ट और इन्वेस्टमेंट, तो आप डिस्पोज कर रहे हो। तो डिस्पोज कर रहे हो तो 150 इधर, 102 रियलाइज हो गए, राइट। तो बोल के रखा ना डिस्पोज, और बुक डेप्ट है, इन्वेस्टमेंट है, तो ये सब माइनस हो जाएगा। इनफैक्ट वो इंटायर करंट लाइबिलिटी भी पे कर रहा है, तो करंट लाइबिलिटी पे कर रहा है तो वो ऐड हो जाएगा, और डिस्पोज ये सब माइनस हो जाएगा। अब ये आपने करा, और इस तरीके से आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाला। अब देखो हमने ये पढ़ा था ना कि इसमें करंट लाइबिलिटी और कैश इन हैंड को तो आपको लेना ही है, इधर कैश इन हैंड दे के रखा था, आपको उसको भी लेना है। तो 100, 84, 420 आपने ऐड करा, राइट। करंट लाइबिलिटी को पे कर रहे हो, अगर नहीं भी बोले तो भी करंट लाइबिलिटी पे करना है तो 100 आपको ये भी लेना पड़ेगा, राइट। तो ये आपको 100 भी पे करना पड़ेगा, ये 100 अलग से लो। फिर आप डिस्पोज करो 150, स्टॉक डिस्पोज करो 150 में, बुक दे 102, इन्वेस्टमेंट 55, फिर कैश इन हैंड भी लो, राइट। तो 65 इस तरीके से, 100 प्लस 84 प्लस 420 प्लस 100 माइनस 150 माइनस 102 माइनस 55 माइनस 65, ये 332 आपका नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। इफ़ ए लिमिटेड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न RE 20%, हाउ मच, अगर RE 20% है, हाउ मच शुड बी एनुअल आफ्टर टैक्स कैश फ्लो, तो हाउ मच शुड बी द एनुअल आफ्टर टैक्स कैश फ्लो। चलो इफ़ ए लिमिटेड रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 20%, RE 20% है, तो हाउ मच शुड बी द एनुअल आफ्टर टैक्स कैश फ्लो फ्रॉम बी, हाउ मच शुड बी द एनुअल आफ्टर टैक्स कैश फ्लो फ्रॉम बी, फ्रॉम बी इज लिमिटेड एक्विजिशन टू जस्टिफाई मर्जर। एक मर्जर को जस्टिफाई करने के लिए ये एज्यूम करते हुए कि टाइम हॉरिजॉन 8 ईयर है एंड 0 सैलवेज वैल्यू है। देखो यार ए ने खर्चा किया 332, अब भाई 332 है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, राइट, 20% ले दे के उसके एनुअल आफ्टर टैक्स कैश फ्लो, राइट, उसके ऐसे होने चाहिए कि भाई 8 साल तक उसके बाद उसका वो इक्वल हो जाए 332 के, सिंपल सी बात। मतलब एनुअल कैश फ्लो इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी फैक्टर 8% कॉमा 8 ईयर्स, राइट, 20% कॉमा 8 ईयर्स, जिससे आपको समझ में आएगा 86.53, राइट। वुड योर आंसर बी चेंज इफ़ द सेल्वेज वैल्यू 30 करोड़ आफ्टर 8 ईयर, अब वो बोल रहे हैं कि आपका आंसर क्या चेंज हो जाएगा अगर सेल्वेज वैल्यू 30 करोड़ आफ्टर 8 ईयर, तो ठीक है ना, 8 साल बाद है ना वो, तो उसमें पहले सबसे पहले सेल्वेज वैल्यू वो माइनस करो तो 322 आएगा,
अब आप प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर निकालो, तो इस तरीके से आपका 84.70 आएगा। तो ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। इससे लर्निंग क्या हुई कि लायबिलिटी लेना ही लेना है, भले ही बोल के रखे नहीं रखे, कैश लेना ही लेना है भले ही बोल के रखे नहीं रखे, सेल ऑफ असेट तभी जब बोले। अगला क्वेश्चन टाइगर का। अब टाइगर लिमिटेड को एक्वायर करना है लियोपार्ड को, और बैलेंस शीट लियोपार्ड की देख के रखिए। देखो अभी यार इधर कुछ ओपन नहीं हुआ, रैंडम चीज़ें हैं क्योंकि अभी इसका काम नहीं पड़ रहा है। जो नोटिंग है, एक्स्ट्रा नोटिंग है परचेस कंसिडरेशन की, वो मैं अलग से इसमें अटैच करूँगा, राइट। अब देखो सी बैलेंस शीट ऑफ लियोपार्ड लिमिटेड एज फॉलोज। अब शेयर होल्डर ऑफ लियोपार्ड लिमिटेड विल गेट 1 शेयर। ओके, शेयर होल्डर मिलेगा उसको 1 शेयर 2 के बदले में, तो 1:2, राइट। एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी सेटल हो जाएगी। ओके, एक्सटर्नल लाइबिलिटी यह सेटल हो जाएगी 5 लाख, वो तो ठीक है, राइट। तो आप ऐसा करो ना, अब अभी हमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना होगा इसमें भी। चलो ठीक है, अभी आप समझते हैं। ठीक है, शेयर ऑफ टाइगर एक्सटर्नल लाइबिलिटी सेट ऑफ हो जाएगी और 1 शेयर जाएगा, राइट। अब शेयर ऑफ टाइगर लिमिटेड, शेयर ऑफ टाइगर लिमिटेड वुड बी इशूड एट इट्स करंट प्राइस ऑफ 15। तो शेयर ऑफ टाइगर लिमिटेड वुड बी इशूड एट इट्स करंट प्राइस ऑफ 15। डिबेंचर को भी मिलेगा 13% कन्वर्टिबल इन द परचेसिंग कंपनी इन द सेम अमाउंट और डेटर और इन्वेंट्री एक्सपेक्टेड टू रियलाइज। ठीक है, डेटर और इन्वेंट्री की बात हो गई, और इधर हम राइट शेयर्स इशू करते हैं। अब टाइगर लिमिटेड हैज़ डिसाइडेड टू ऑपरेट द बिजनेस ऑफ लियोपार्ड एज अ सेपरेट डिवीजन। अब टाइगर हैव डिसाइडेड, उसने डिसाइड कर लिया कि मैं बिजनेस जो लियोपार्ड का है एज अ सेपरेट डिवीजन करूँगा। मैंने एक्वायर तो कर लिया पर सेपरेट डिवीजन। अब डिवीजन जो है उसका इज़ लाइकली टू गिव कैश फ्लो सी फैट, 5 लाख देगा 6 साल तक, और आफ्टर 6 ईयर इसको हम डीमर्ज कर देंगे, डिस्पोज कर देंगे, वो 2 लाख अदर हमको मिल जाएंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 16%। अब एक रिपोर्ट बनाओ अबाउट द फाइनेंशियल फीसिबिलिटी। देखो यार, पहले मैं उसको जो मेरा खर्चा लग रहा है, जैसे कि मैं 2 के बदले में 1 शेयर दूंगा, वो इधर समझो शेयर ऑफ टाइगर लिमिटेड वुड बी इशूड एट इट्स शेयर ऑफ टारगेट लिमिटेड शेयर ऑफ टाइगर। ओके, टाइगर वॉन्ट्स टू एक्वायर ना, तो एक्वायरर के शेयर की बात करें, शेयर ऑफ एक्वायरर इशू एट द करंट प्राइस ऑफ 15, तो 15 से मल्टीप्लाई करो 35,000 को। चलो ठीक है, ये हमारा हो गया। और डिवेंचर तो ठीक है, 3 लाख डिवेंचर। डेटर इन्वेंट्री 2 लाख। क्रेडिटर पे कर रहे हो 3.2 लाख। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी आपने 3 लाख और 3.2 लाख, राइट। ये हो गया सी, तो बस सारा खर्चा देख लो, 15 × 35 हो गया। एक्सटर्नल लाइबिलिटी 3.2 लाख, और ये तो 5 एक्सटर्नल लाइबिलिटी 5 में सेटल हो रही ना, तो इसमें डिबेंचर भी, अच्छा डिबेंचर तो इशू कर दिए ना, अब पता नहीं क्यों 5 में सेटल करी, पर 5 ही लो। और सी डिबेंचर भी दे ही रहे हो आप, तो 3 लाख वो भी आ जाएगा, कुछ 2 लाख रियलाइजेशन से आए वापिस। भाई करंट लाइबिलिटी बोल दिया, कभी नहीं बोलते, बाय चांस सपोज करो नहीं बोलते, तो आपको क्या करना रहता है कि वो शेयर इशू करें हैं और डिबेंचर इशू करें हैं, और वो करंट लाइबिलिटी का भी पेमेंट करना है, ऐसा बोलना पड़ता है, और फिर कैश इन एंड माइनस कर दो। अच्छा, असेट वसेट का कुछ नहीं बोला है क्या? तो फिर चलो कुछ नहीं किया होगा, मतलब करंट लाइबिलिटी और कैश ये तो लेना ही लेना है, किसी भी हालत में लेना है। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा, तो 10.75, राइट। ये हमारा परचेस कंसिडरेशन है। अब देखो ये हो गया, अब टाइगर लिमिटेड ये तो आपने खर्चा किया, राइट। टोटल आपका खर्चा कितना हुआ? 10.75। अब टाइगर लिमिटेड हैज़ डिसाइडेड टू ऑपरेट बिजनेस, ये वही वाली बात हो गई कि आपको पैसे मिलेंगे, तो एक बार देखो तो सही कि वो पैसे 10.75 वो कवर कर रहे कि नहीं कर रहे। तो इस तरीके से हमारा NPV आ जाएगा, तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें आपकी ज़्यादा आ रही है इनकम, एंड 8,49,000 का आपका NPV पॉजिटिव NPV आ रहा है। ओके, अब आता है देखो ANBC। चलो ठीक है, तो A लिमिटेड NB लिमिटेड आर इन सेम इंडस्ट्री, और सेम इंडस्ट्री में है फॉर्मर, जो फॉर्मर है इज इन नेगोशिएशन फॉर एक्विजिशन ऑफ द लेटर, राइट। तो फॉर्मर और लेटर, ओके, फॉर्मर इज इन नेगोशिएशन फॉर एक्विजिशन,
राइट, तो ए को बी को एक्वायर करना है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दो कंपनी की एज पर द लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन है। तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड कि आपको इक्विटी शेयर दे के रखा है, डिवेंचर्स दे के रखे, लोन दे के रखे, EBIT मार्केट प्राइस ये सब दे के रखा है। सी EBIT DA मतलब, अब ए लिमिटेड प्लान कर रहा है टू ऑफर अ प्राइस फॉर बी बिजनेस एज अ होल विच विल बी क्या है 7 times EBIT DA राइट रिड्यूस बाय आउटस्टैंडिंग डेप्ट राइट। तो वो ए प्लान कर रहा है कि मैं बी को ऑफर कर दूँ 7 times ऑफ ये रिड्यूस बाय आउटस्टैंडिंग डेप्ट टू बी डिस्चार्ज बाय एंड ये जो पेमेंट है ये मैं ओन शेयर्स से डिस्चार्ज करूँगा राइट। बी लिमिटेड इज प्लानिंग टू सीक 1 share इन ए फॉर एवरी 2:1:2 राइट। तो सबसे पहले ए क्या प्लान कर रहा है दिस, बी क्या प्लान कर रहा है दिस। तो देखो ए लिमिटेड प्लानिंग कर रहा है और बी लिमिटेड प्लानिंग कर रहा है राइट। तो ए लिमिटेड की प्लानिंग के हिसाब से वैल्यू निकाल लो एक बार, तो ये हो गया 569.97 जो हो गया। ओ बी लिमिटेड क्या प्लान कर रहा है 1:2 राइट टू सीक 1 share इन ए फॉर एवरी 2 share इन बी बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस के बेसिस पे राइट। तो कितने शेयर है 60,000, तभी 6 lakh हुए ना, ये 60,000 है और इंटू 220 हो गया 132 lakh। और टैक्स रेट जो है 30% है। सबसे पहले दोनों अल्टरनेटिव में ए लिमिटेड ऑफर एंड बी लिमिटेड प्लान, ये जो ऑफर कर रहा है बी जो प्लान कर रहा है, नेट कंसीडरेशन कितना पेबल है। सबसे पहले नेट कंसीडरेशन पेबल ए के हिसाब से देखें तो 569.97 हो गया, ये हो गया ख़त्म। पहले ए लिमिटेड के ऑफर के हिसाब से चलते हैं, नंबर ऑफ शेयर इशू बाय ए लिमिटेड। अब जब वैल्यू 569.97 है और मेरे इसकी वैल्यू जो है वो 220 है, तो मेरे को 2.59 है राइट। तो 2.59 इंटू 1 second 2.59 lakhs है, तो 2.59000 ऐसा करके है 2,59,000। तीसरा EPS ऑफ ए आफ्टर एक्विजिशन, अब क्या बात करो आफ्टर एक्विजिशन मतलब सॉरी अब EPS निकाल लो, पर EBITDA दे के रखा है जैसे कि 400.86 है, 115.71 है, तो पहले आप इंटरेस्ट माइनस करो डेप्रिसिएशन माइनस करो। अब डेप्रिसिएशन के तो कोई आसार दिख नहीं रहे, इंटरेस्ट माइनस करके टैक्स माइनस करो, इंटरेस्ट कितना है आपका ये करो 10% 58 12.5% 240 का 12.5% ये 30 राइट करो। तो ऐसा ये हो गया हमारा 300 राइट। अब 300 आया राइट, आप करोगे आफ्टर टैक्स तो 300 आ गया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स कितने आपके ए के प्लान के हिसाब से आते 2,59,000 इशू करे थे, अभी 12 है। तो सी ये शेयर्स हैं राइट, ये शेयर्स देख रखे तो 14,59,000 उस तरीके से तुम्हारा EPS आ जाएगा। चलो चौथा मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ ए आफ्टर एक्विजिशन, एज्यूम पी रेशियो ऑफ ए आफ्टर मर्जर इज सेम, मार्केट प्राइस निकालो भैया। मार्केट प्राइस क्या EPS देख रखा है 20.56, आफ्टर एक्विजिशन निकालो एज्यूम करके कि पी रेशियो सेम है। अब वो जो पी रेशियो पहले ये पता करो कि पी रेशियो पहले क्या था, अभी आपने EPS है ना, EPS आप पहले का निकाल लो। EPS पहले क्या होगा 400.86 लाख से और उसमें इंटरेस्ट माइनस कर दो जैसे कि 400.86 माइनस 58 ये करा आपने 342.86 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितना है आपका 12 lakh, ये EPS आ गया 28.57 ठीक है। आपको टैक्स भी माइनस करना है 400.86 माइनस 58 माइनस 30% जो भी टैक्स है डिवाइडेड बाय फिर मैं 12 करूँगा तो ऐसे केस में 20 आ जाता है राइट। EPS 20 है और ये 400 है, ये आ गया 20। अब ये जो 20 आया है तो आपका EPS था 20 और इधर जो है मार्केट प्राइस 220 तो 11 है। तो जो आपका 20.56 है उसको 11 से आप मल्टीप्लाई करो 226.16 आ जाएगा, ये हो गया आपका, कुछ इतना खास नहीं था राइट। इधर अब आप आओ नेट कंसीडरेशन पेबल बी लिमिटेड के प्लान के मुताबिक, तो बी लिमिटेड के प्लान के मुताबिक तो 1:2 का शेयर है, इधर
3 लाख मिलेंगे 400.86 के भाव पे, तो 1202 1 सेकेंड। बी लिमिटेड प्लानिंग टू सीक वन शेयर इन ए, कि मेरे को एक शेयर मिल जाएगा ए का फॉर एवरी 2 शेयर इन बी बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, राइट। अब सी दिक्कत ये है कि इन्होंने क्या कर दिया, बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, 1 सेकेंड, ये मार्केट प्राइस इन्होंने बी का ले लिया, राइट। तो देखो अब क्या लिखा है, बी लिमिटेड प्लानिंग टू सीक वन शेयर इन ए फॉर एवरी 2 शेयर इन बी, दो के बदले में एक शेयर, प्लानिंग टू सीक वन शेयर इन ए फॉर एवरी 2 शेयर इन बी बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, राइट। तो टैक्स रेट ये सब दे के रखा है। अब नेट कंसिडरेशन पेबल सी, तो इधर समझो, इधर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ए लिमिटेड प्लान कर रहा है कि वो 7 टाइम्स EBIT वो सब करे और डिस्चार्ज बाय ओन शेयर, इधर फिर बी लिमिटेड बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, तो बी लिमिटेड जो टारगेट कंपनी प्लान कर रहा है तो उधर वो अपना मार्केट प्राइस की बात करेगा, वो अपने मार्केट प्राइस की प्लानिंग करेगा। तो बी लिमिटेड प्लान कर रहा है टू सीक वन शेयर इन ए लिमिटेड फॉर एवरी 2 शेयर इन बी बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, तो उसने बोला 1:2 का रेशियो होगा। तो जो आप सोच रहे हो ये 3 लाख हो जाएगा, 3 लाख को 220 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा नहीं है, वो 6 लाख को 110 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ले देखे वो 3 लाख को 220 ही हो गया है, ओके। अरे यार ये सब योको बनाया इनने, खैर ये हो गया। फिर उसके बाद ठीक है, तो 3 लाख को 220 से कर दिया, ये हो गया। अब नंबर ऑफ शेयर इशू बाय ए कितने शेयर इशू करेगा, ए इशू करेगा 3 लाख शेयर। EPS ऑफ ए क्या होगा आफ्टर एक्विजिशन, अब EPS ऑफ ए आफ्टर एक्विजिशन, तो जो पहले था जो ए लिमिटेड की प्लानिंग में हमने निकाला था 300 लाख, इधर भी वही रहेगा, बट 1:2 का रेशियो है तो 300/15 लाख हो जाएगा। और फिर EPS आपने निकाल लिया, मार्केट प्राइस निकालो, एजमिंग PE रेशियो ये सब चीज़ें सेम है, तो ठीक है ये भी आप निकालोगे, EPS निकाल लिया, PE है 11, तो ये हो गया। और ठीक है इजी है, बहुत इजी है, ये इधर उन्होंने बेवकूफ़ी दिखाई, क्या कैलकुलेशन में इन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाया, बी लिमिटेड प्लानिंग टू सीक वन शेयर बेस्ड ऑन दी मार्केट प्राइस, बकायदा इधर 3 लाख को इनको 220 से मल्टीप्लाई करना था, आंसर वही आता, पता नहीं क्यों 6 लाख को इन्होंने 110 से मल्टीप्लाई किया, ज़बरदस्ती बेवकूफ़ी दिखाई इन्होंने इधर। वो ऐसा नहीं कि ये अभी एकदम लेटेस्ट वाला पॉइंट है, ये पॉइंट पहले भी एक बार हुआ था कवर, और उसमें भी उस टाइम भी सोचने में आया था, ऐसा गड़बड़ सोचने में आया था, इसका स्क्रीनशॉट लेके हम इस नोट्स में ऐड कर रहे हैं और बताएंगे कि इन्होंने बेवकूफ़ी करी यहाँ पे। आंसर भले ही सेम आया पर ये हरकत क्यों। चलो हमारा LOS 12, इवेल्यूशन व्हेन एक्वायरिंग कंपनी जो एक्वायर कर रहा है मोर देन वन कंपनी, इवेल्यूशन व्हेन एक्वायरिंग कंपनी एक्वायर मोर देन वन कंपनी। चलो ठीक है इस पर एक क्वेश्चन कर लेते, ये भी देख लेते। सी फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड बेटर बेस्ट, ये डेटा अवेलेबल है इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफाई एंड एक्सपैंड ऑपरेशन, बेस्ट लिमिटेड इज़ ऑन लुक आउट द स्मॉलर कंपनीज, तो इसको ना ये डाइवर्सिफिकेशन है एक्सपांड करना है, तो ये जो बेस्ट है ना वो स्मॉलर कंपनीज देख रहा है, तो उसने गुड और बेटर को शॉर्टलिस्ट करा। स्वैप रेशो टू बी ऑफर्ड इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेस ऑफ पी रेशो, ओके। तो स्वैप रेशो पी रेशो के बेसिस पे डिटरमाइन होगा। अब देखो इधर इक्विटी शेयर है, EPS है, तो अर्निंग अवेलेबिलिटी इक्विटी शेयर होल्डर है, PE रेशियो है, फिर फाइंड आउट द EPS ऑफ बेस्ट आफ्टर मर्जर विद बेटर, बेस्ट का बेटर से मर्जर हुआ तो EPS निकाल लो, तो आफ्टर मर्जर आपको निकालना है, राइट। आफ्टर मर्जर विद बेटर लिमिटेड गुड एंड बोथ, ये बेस्ट आगे होके जा रहे हैं ना, ये बेटर के पास बेस्ट आगे होके जा रहा है गुड के पास, ताकि उसको डाइवर्सिफाई एक्सपांड करना ऑपरेशन, तो EPS चाहिए उसको और आफ्टर मर्जर, तो ठीक है चलो पहले बेस्ट और बेटर का करते हैं। तो अर्निंग है जैसे 1,80,000 हो गया प्लस 36,000 हो गया, राइट। और 37/30 ये हमारा हो जाएगा स्वैप रेशियो, तो नंबर ऑफ शेयर 90,000 प्लस 36,000 इंटू 37/30 सी, ठीक है। तो इधर हम क्या कर रहे हैं, बेस्ट और जैसे बेटर लिया, तो EPS निकालना है, तो 1,80,000 राइट प्लस 36,000 216,000 हो गया, फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करें तो 90,000 प्लस 36,000, अब 36,000 का एक्सचेंज रेशियो निकालो, इनटू 1.23 राइट,
दूसरा 1,80,000 और एक हो गया 36,000, फिर 90,000 डिवाइड बाई 90,000 प्लस कितना, प्लस 36,000 इंटू 18,000 इंटू 23/30। अब तीसरा 1,80,000 प्लस 36,000 प्लस 18,000, लो प्लस 36,000, 18,000 भी नहीं प्लस 36,000, तो आ गया 2,52,000 पहले डिवाइड बाई 90,000 नंबर ऑफ शेयर। अब कितने शेयर लोगे, राइट? अब वो ऐसा है कि बेस्ट को एक्वायर करते तो कितने शेयर होते, गुड को एक्वायर करते तो कितने शेयर हम एडिशनल में इशू करते, बेस्ट को हम कितने शेयर इशू करते, तो वही 36,000 इंटू 37/30, राइट? फिर ये है 18,000, 18,000 शेयर है इंटू 23/30, 13,800, इस तरीके से शेयर इशू करते, ठीक? चलो ओके, ब्रेकअप ऑफ MPS है, तो ये भी क्वेश्चन कर लिया था। मैक्सिमम और मिनिमम MPS, ओके, मैक्सिमम मिनिमम MPS वैल्यूएशन एंड मर्जर के क्वेश्चन, चलो अभी है क्वेश्चन है अच्छे खासे, चलो करते हैं। तो इसके पहले जो हमारा परचेस कंसिडरेशन का है उसको तो एक जगह लिख ले। तो ठीक है, ये मिनिमम MPS और मैक्सिमम MPS जो भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, जहाँ पे हम जो है ओके प्रैक्टिस में सिर्फ 3-4 ही क्वेश्चन है, तो चलो हम ख़त्म ही कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे जाए क्यों, हम ओवर ही करते हैं, नहीं लगेगा टाइम, ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करते हैं। ओके बाय।